वेलकम टू SKU डिजिटल लर्निंग क्लासेस। माय नेम इज वर्षा बढ़ोलिया, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग। आज हम बात कर रहे हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हाइड्रोसिफलस के बारे में। हाइड्रोसिफलस में हम जानेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, सर्जिकल इंटरवेंशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हम देखते हैं हाइड्रोसिफलस होता क्या है। हाइड्रोसिफलस को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटरी सब्सटेंस CSF और सिफिलिस मीन्स ब्रेन। तो हाइड्रोसिफिलिस इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रेनियल स्पेसेस। जो नॉर्मल CSF है उसका किसी भी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाना हमारे इंट्राक्रेनियल स्पेसेस के अंदर, जिसे हम हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं। दूसरा रीजन है इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। और ये किस वजह से होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑब्जॉर्प्शन के बीच में या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से CSF है उसका एक्यूमुलेशन होने लगना। ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन और प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में इम्बैलेंस होना, ऑल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF पाथवे। और जो CSF का पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगना, जिसे हम हाइड्रोसिफलस की कैटेगरी में रखते हैं। इट रिजल्ट इन द डायलिटेशन ऑफ द सेरिब्रल वेंटिकल्स एंड इनलार्जमेंट ऑफ द हेड। जो हमारी सेरिब्रल वेंटिकल्स हैं वो डायलेट होने लगेंगी, फैलने लगेंगी, और जो हमारी हेड की साइज है वो इनलार्ज होगी। जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो उसकी जो वेंटिकल्स है वो डायलेट होने लगना, फैलने लगेंगे। हेड की साइज हम देखेंगे, जैसे कि लेफ्ट लेटरल वेंटिकल, राइट लेटरल वेंटिकल, ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफलस। कंजेनाइटल हाइड्रोसिफलस व्हेन द ब्लॉकेज अकर प्रायर टू बर्थ। कंजेनाइटल मीन जन्मजात, प्रायर टू बर्थ जन्म से पहले। एक्वायर्ड हाइड्रोसिफलस क्या अकर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ और एट सम पॉइंट आफ्टर वर्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफलस। तो जन्म के समय ये टू टाइप्स का होता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस द फ्लो बिटवीन द वेंटिकल्स इज नॉट इम्पेयर्ड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लो इज ब्लॉक्ड आफ्टर इट लीव्स द वेंटिकल्स। जो हमारे वेंटिकल्स में जो CSF है वो ब्लॉक हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफलस द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लो इज ब्लॉक्ड अलोंग द नैरो चैनल्स दैट ड्रेन्स द वेंटिकल्स। दिस ऑल्सो कैट ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफलस। जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं उसमें CSF है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के कारण वह जो ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जो चैनल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। अब देखते हैं मैंने साइंस सिम्टम। इन्फेंट में साइंस सिम्टम इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस। जो हेड है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। थिन वाइडली सेपरेट बोन्स ऑफ द हेड दैट प्रोड्यूज ए क्रैक पॉट साउंड मैकवेन साइन। जो हमारी बोन हेड की बोन्स है वो थिन होंगी, वाइडली सेपरेट, प्रोड्यूज क्रैक पॉट साउंड, जो क्रैक पॉट साउंड की तरह ध्वनि आएगी, जिसे हम मैकवेन साइन बोलते हैं। अब एंटीरियर फोंटानेल। जो हमारा एंटीरियर फोंटानेल है वह बल्जिंग एंड नॉन पल्सेटिंग की तरह दिखाई देगा। जो हमारी इसका वेन है वह डायलेट हो जाएंगी। ए डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द आइज कॉल्ड सनसेटिंग। और जो हमारी आँखें हैं, आँखों का चारों ओर घूमना, नीचे की ओर घूमना, जिसे हम सनसेटिंग आइज कहते हैं। जैसे कि सॉफ्ट स्पॉट फोंटानेल। चाइल्ड में बिहेवियर चेंजेस सच एज इरिटेबिलिटी एंड लेथार्जी। और जो बच्चों का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन, लेथार्जी मीन्स आलस आना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एटेक्जिया बॉडी का इम्बेलेंस होना, हेडेक ऑन अवेकनिंग, जो हम सिर दर्द जागने की वजह से सिर दर्द होना, और निष्टागमस आँखों की पुतलियों का चारों ओर घूमना, जिसे हम निष्टागमस बोलते हैं। लेट साइन में हाई श्रिल क्राई एंड सीजर्स। हाई श्रिल क्राई बहुत तीखा रोना, सीजर मीन्स दोहरे पड़ना। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं,
सर्जिकल इंटरवेंशन इन ए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट द सीएसएफ ड्रेन्स इनटू पेरिटोनियल कैविटी फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल्स। पेरिटोनियल कैविटी से लेटरल वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट डालकर इसे ड्रेन्स करना। इन ए वेंट्रिकुलो आर्ट्रीलियल सेंट द सीएसएफ ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल वाई पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। जो हार्ट की राइट एट्रियम से लेटरल वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलो आर्टीरियल संट द्वारा सीएसएफ को ड्रेन्स करना और उसे पास करना, साथ में ऑब्स्ट्रक्शन करना। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल साइन, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल साइन होंगे, वाइटल साइन होंगे, उसे हम मॉनिटर करेंगे। पोजीशन द चाइल्ड ऑन द अनऑपरेटेड साइड टू द प्रिवेंट प्रेशर ऑन द सेंट बल्ब। हम बच्चे को, पेशेंट को अनऑपरेटेड साइड पोजीशन देंगे जिससे सेंट बल्ब पर प्रेशर ना पड़े। कीप द चाइल्ड फ्लैट एज प्रेस्क्राइब टू अवॉइड रिप्रोड्यूज ऑफ इंट्राक्रेनियल फ्लूड। जो बच्चे को हम चाइल्ड फ्लैट पोजीशन प्रेस्क्राइब करेंगे इंट्राक्रेनियल फ्लूड को अवॉइड करने के लिए। 30 डिग्री टू इन्हेंस ग्रेविटी फ्लो थ्रू द संट। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की वजह से साइन देखने को मिलेंगे। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन हेड सरकमफेरेंस, बच्चे की जो साइज है हेड की वह कितनी हो रही है, इंक्रीज कितनी नहीं हो रही है। एंड असिस ड्रेसिंग फॉर ड्राइनेज, और ड्राइनेज को ड्रेसिंग करने के लिए हम मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, क्या बच्चा ले रहा है क्या नहीं ले रहा है न्यूट्रिएंट डाइट। इन एन इन्फेंट इरिटेबिलिटी ए हाई श्रिल क्राई लेथार्जी एंड फीडिंग पुअरली में इंडिकेट सन माल फंक्शन और इन्फेक्शन। ये सारे साइन देखने को मिलेंगे और हम उसे इंडिकेट करेंगे माल फंक्शन और इन्फेक्शन की वजह से। इन ए टोडलर, जो टोडलर बच्चे होंगे उसमें क्या साइन देखने को मिलेंगे। हेडेक एंड लैक ऑफ एपेटाइट आर द अर्लीस्ट कॉमन साइन ऑफ सेंट माल फंक्शन। जल्द से जल्द टोडलर बच्चे में ये साइन देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।